तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। एंड मैं हूं अभी जयपुर जंक्शन पे। शाम के बज रहे हैं 7:30 और यहां से जो है हमारी नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल तो मेरे पीछे जो है तिरंगा है, जो कि अभी लहरा नहीं रहा है क्योंकि बारिश हुई थी, तो पूरा का पूरा जो है भीगा पड़ा है। सो हेयर इज़ आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा। सो इस झंडे को एक अटेंशन और सलामी देते हुए बढ़ते हैं आगे। वैसे आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है, वो होने वाली है 19611 अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस में। मैं जिसमें ऑनबोर्ड हूँ जयपुर से लेके अमृतसर तक। तो फिलहाल तो ट्रेन के आने में बचे 20 मिनट, 7:30 हो चुके हैं। 7:50 का जो है ट्रेन का यहाँ पे अराइवल है, 8 बजे का डिपार्चर है। रास्ते में इसके बहुत सारे स्टॉपेज हैं रेवाड़ी तक। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस ट्रेन का। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि इस ट्रेन को जो है अभी तक डीजल लोको हॉल करता है। अब आई डोंट नो कि इसका पूरा रूट इलेक्ट्रिफाइड है या नहीं पूरी तरीके से, बिकॉज बीच में कुछ मोगा वोगा वाला सेक्शन जो आता है वो शायद अनइलेक्ट्रिफाइड था, जो कि अब शायद इलेक्ट्रिफाइड हो गया हो, तो पता नहीं, देखेंगे उसको भी। बट खास बात यह है कि इस ट्रेन को जो है एंड टू एंड डीजल लोकोमोटिव लेके जाता है। सो इसलिए जो है मैंने ये ट्रेन चूज़ करी है। बाकी चलते हैं अंदर स्टेशन के, दिखाता हूँ आपको ट्रेन का अराइवल सीधा, एंड मिलता हूँ आपको अराइवल के बाद। अभी यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए कोच के नंबर वगैरह जो भी है, ये कोच इंडिकेशन बोर्ड पे, और सारा मामला है जो है यहाँ पे उलट पुलट हो गया है। मतलब मैं खड़ा था बिल्कुल आगे आगे लोगों के साइड में, पता चलता है कि मेरा कोच जो है वो पीछे की तरफ है, और बाकी सारी भीड़ के साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो सबके सब देखो पीछे जा रहे हैं। ऑल राइट, हियर इज आवर ट्रेन, WDP 40 इन लीड, सिंगल लोको है। ट्रेन आ चुकी है, सामान रख दिया है, और जयपुर की कंट्रोलिंग पे कभी कभी इतना गुस्सा आता है, इतनी इरिटेशन होती है ना। मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी जोधपुर पूरी एक्सप्रेस, वो निकल गई अपने एग्जैक्टली टाइम पे, 7:40 पे निकल चुकी थी, और उसके बाद जो है इसको आना था अमृतसर एक्सप्रेस को, अजमेर अमृतसर को। लेकिन किया क्या, इसको फालतू में आउटर पर खड़ा रखा आधे घंटे। अराइवल था इसका 7:50 का, पहुँचा रहे हैं इसको 8:10 पर, खामखा 20 मिनट लेट। पता नहीं किस टाइप की कंट्रोलिंग कभी कभी जो है जयपुर जंक्शन की होती है या जयपुर डिवीज़न की होती है ना, इरिटेट करती है सिंह पर। वैसे अभी आश्रम एक्सप्रेस आ रही है तो उसका अराइवल दिखाते हैं आपको। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी आश्रम, आ रही है बस, आगे पहुंच गई है 22 गोदाम तक। सामने ये जो ICF ट्रेन आप देख रहे हो ना, ये खड़ी है बीकानेर मैसूर स्पेशल, हॉलीडे स्पेशल है। जूम करके अगर थोड़ा दिखाऊँ मैं, डेस्टिनेशन बोर्ड इसका दिख नहीं रहा है। सो, इसका वैसे डिपार्चर होने वाला है, तो देखते हैं अगर हम दोनों ट्रेनों का साथ में डिपार्चर दे रहे, तो वैसे हमारा डिपार्चर का हॉर्न जो आ चुका है अभी तक, लोगों ने हॉर्न दे दिया, लेट्स सी अगर उसका भी दे रहे तो साथ में दे दिया है इसका डिपार्चर तो। लेकिन हमारी ट्रेन को कब देंगे, इसको पहले निकाल रहे हैं यार। सिग्नल अपनी ट्रेन का भी दिया हुआ है, हालांकि अरे वाह, मीनवाइल दोस्तों हमारी ट्रेन को भी डिपार्चर दिया जा चुका है साथ में। एक्सपेक्टिंग सम पैरेलल एक्शन विद बीकानेर मैसूर स्पेशल, जो कि आगे जाके स्लो डाउन हो जाए तो काम बन जाए, क्योंकि वो पूरा प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। वो सामने आ गई है, देखो
गांधीनगर जयपुर स्टेशन। वाह क्या सीन है, इतने सारे गेटर इन्होंने डाल दिए यहाँ पे, अलग ही नज़ारा दिख रहा है इसका। सो इनिशियली यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। मेरी सीट पे दो अनरिजर्व लोग, पूरे कोच का यही हाल है, पूरा जो है अनरिजर्व पैसेंजर से भरा हुआ है। सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम बठिंडा जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन बिफोर टाइम पहुँच चुकी है आधे घंटे, और ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे ये जो ट्रेन है वो बिफोर टाइम ही पहुँच गई, चाहे आप हिसार ले लो चाहे सिरसा ले लो, बीच में जो भी स्टेशन पड़े उधर 20-25 मिनट आधे घंटे बिफोर टाइम, मतलब इतना स्लैक इस ट्रेन को दे रखा है ना इसके इस रूट में। वैसे बता दूँ इस ट्रेन का जो रूट है वो रेवाड़ी के बाद बठिंडा, मतलब हिसार बठिंडा फिर फिरोजपुर कैंट लुधियाना होते हुए है, और जो दूसरी ट्रेन आती है अजमेर अमृतसर उसका रूट जो है वो लुधियाना के बाद सीधा हिसार होते हुए आता है, उसमें भी ट्रैवल करूँगा मैं, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। तो रिटर्न जो है मेरा उसी ट्रेन से है क्योंकि इस वजह से, और जयपुर के बाद कुछ खास मैंने दिखाया नहीं क्योंकि रिपीटेड सेक्शन है, क्या दिखाएं उसमें, बार बार बहुत बार दिखा चुके जयपुर से रेवाड़ी वाला सेक्शन, और फिर बाद में हिसार वगैरह कुछ भी दिखाने का मन नहीं किया, नियुक्त तैयारी थी। तो मेन वेल यहाँ पे आप देख सकते हैं बठिंडा के कुछ नज़ारे आगे के, यहाँ पे एक लोको खड़ा है, यहाँ पे एक रेक खड़ा है, 3 नंबर पे हमारी ट्रेन को पहुँचाया है, ये खड़ी हमारी ट्रेन, और 2021 के बाद अब आ रहा हूँ मैं बठिंडा 2 साल बाद। लेट्स सी आगे अगर टोस्टर खड़े हुए दिख जाए ना उस साइड में, क्योंकि ट्रेन उस साइड की तरफ डिपार्चर लेगी, तो हो सकता है कि उधर टोस्टर खड़े हुए दिखाई दे जाए। यहाँ
यहाँ पे सामने आ गई है फिरोजपुर कैंट सेवनी शिवनी। ये खड़ी डीजल गैंग, फिलहाल दो ही लोकोस दिख रहे हैं, तीसरा दिख गया। टोस्टर नहीं है रे बाबा। लाइन निकल गया आगे अबोहर श्री गंगानगर की तरफ। छोटा सा स्टेशन है यहाँ पे फरीदकोट नाम का, जहाँ पे दो प्लेटफॉर्म है, एक तो दिख भी नहीं रहा आगे क्योंकि वो बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है। ऐसी ऐसी जगह तो इस ट्रेन का स्टॉपेज दे रखा है, बताओ। वैसे अभी तक के सफ़र की अगर बात करूँ ना, मैं जयपुर से लेके जहाँ भी हम पहुँचे हैं अभी तक, वैसे फिरोजपुर कैंट आने वाले हैं 8 बजे, सो फिरोजपुर कैंट तक देखते हैं। तो एक तो मौसम देखो ऐसा है कि सारी उमस वाली जो है गर्मी है, इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है, और स्टॉपेज इस ट्रेन के इतने सारे हैं कि हर 15-20 किलोमीटर के बाद ये ट्रेन रुक रुक के चल रही है। तो क्योंकि वैसे ही LHB कोच है, और इस टाइप का LHB कोच है जिसके अंदर हवा भी प्रॉपर नहीं आती है, तो इस वजह से जो है गर्मी और ज़्यादा लगती है इसके अंदर। स्लीपर में ट्रेवल कर रहा हूँ मैं इस बार, तो AC मैंने इस बार ये सोच के नहीं करवाया रिजर्वेशन, क्योंकि बारिश का मौसम है तो चलो निकल जाएगा आराम से, लेकिन ये हो रहा है यहाँ पे, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। भाई सामने प्लेटफॉर्म की लेंथ देख रहे हो, मुश्किल से 100-200 मीटर का भी प्लेटफॉर्म होगा ये, और यहाँ पे सामने एक पैसेंजर ट्रेन अराइवल ले रही है,
एलडीएच के एल्गो के साथ में। इसके चक्कर में हमारी ट्रेन को रोका हुआ था यहाँ पे। कचरा देख लो लंच में कितना है। गुड टू सी डीजल्स आर रोलिंग हियर स्पेशली एल्कोस बठिंडा फिरोजपुर लुधियाना लोहिया खास। क्या है इस ट्रेन का नाम? लोहिया खास। यहाँ दोनों ट्रेनों को डिपार्चर दिया जा चुका है। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का नजारा दिखाता हूँ। कुछ ऐसा है यहाँ का प्लेटफॉर्म। शुरुआत ही खत्म हो गया। दस मिनट लेट पहुंची है फिरोजपुर कैंट स्टेशन पे ये ट्रेन अपनी, और यहाँ पे जो है लोको रिवर्सल होना है। तो देखते हैं वो सब कितनी देर में होता है। इसके बाद जो है मोगा वाला रूट पकड़ के ये पहुँचेगी आगे लुधियाना। लुधियाना पहुँचने का टाइम इसका 11:15 बजे है।
ऑलमोस्ट यहाँ से 3 घंटे लगी, जो कि मुझे लगता है अगेन काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज 112 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ, देखा जाए तो 112 किलोमीटर कवर करने में इसको 1.5 से 2 घंटे लगने चाहिए, लेकिन फिर वही अगेन स्लैक टाइम पे बात आती है कि स्लैक टाइम भर भर के दे रखा है इस ट्रेन को। और जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी सारे छोटे मोटे स्टॉपेज है, जैसे कि गेट और जगतपुरा जयपुर स्टेशन पे, मतलब जयपुर में गेट और जगतपुरा इसका स्टॉपेज है, लेकिन इसको जो है फुलेरा पे नहीं रोकते, मतलब फुलेरा सोचो कितना बड़ा स्टेशन है और फुलेरा पे नहीं रोकते इसको, और गेट और जगतपुरा रोक रहे हैं इस ट्रेन को, बताओ। फिर रास्ते में राजगढ़, खेरथल ऐसी ऐसी जगह पे रोक रहे हैं। आगे से कुछ आ रहा है वो दिखाता हूँ आपको, डेमू आ रही है, कोई डेमू ट्रेन, उधर भी डेमू आ रही है, इधर भी डेमू आ रही है। ऐसा लगता है ना कि अरे ये तो छोटे छोटे स्टेशन पे रुक रही है, लेकिन नो, इसका तो फुलेरा पे स्टॉपेज नहीं है, तो ये सोच के और देख के सच में बड़ा अजीब लगता है। फिलहाल जनरल कोच की तरफ चलते हैं, पीछे स्लीपर तो उसके खाली हो चुके हैं हिसार के बाद ही, हिसार भिवानी के बाद में जनरल भी खाली दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि जनरल जो है ना भर के आ रहे थे। मीनवाइल डेमू ट्रेन इज अप्रोचिंग, इनको देख के इतना अजीब लगता है ना डेमू ट्रेन को, पता नहीं कौन से जमाने में आ गए, 90s में आ गए, कहाँ पे आ गए, इतनी पुरानी लगती है डेमू ट्रेन से, CNG वाली डेमू है ये। जनरल कोच देख लो खाली खाली पड़े हैं पूरे। ट्रेन जो है ना ये पंजाब के, मैंने देखा पूरे रूरल एरिया से होकर गुजरती है, एकदम ग्रामीण इलाके से ना, सो इसमें मैं सोचा था कि ज़्यादा रश होता होगा, लेकिन ज़्यादा रश है ही नहीं इसमें, मेरे को तो लग रहा है अमृतसर भी बहुत कम लोग पहुँचेंगे, बीच में आके चढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लुधियाना जालंधर से, हालांकि मेरे को लगता है वहाँ पे तो ट्रेन उल्टा खाली होगी, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जनरल जिस हिसाब से मुझे खाली एकदम खचाखच खाली नहीं बोलते उसको, खचाखच खाली दिख रहे हैं ना कई जनरल, तो उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है। इवन मैं ये सोचूँ कि स्लीपर छोड़ के अपने जनरल में शिफ्ट हो जाऊँ लोगों के पास में थोड़ा, बाकी देखते हैं लोको आ रहे तो लोको रिवर्सल कपलिंग वगैरह दिखाता हूँ आपको, वही लोको अटैच होता है या फिर दूसरा लोको इसके साथ अटैच होता है, देखते हैं। ये चला लोको अपने रिवर्सल के लिए, उस वाली लाइन से, और अब जा रहे हैं आगे मोगा की तरफ रिवर्सल के बाद।
डीजल लोको शेड। लोको मेला दिखेगा, खड़े तो हैं लोकोस। ये देखो RDHK एल्को, ये वैगनाइन, एक और वैगनाइन इसके पीछे। उस एल्को की तो हालत ही खराब है। ये सारे एल्को को देखो यार, अरे उसकी क्या हालत कर रखी है। हजूर साहब नांदेड़ जम्मू तवी हम सफर। ग्यारह बीस का इसका यहाँ पर अराइवल था, लुधियाना पे 11:20 पे पहुँची है एग्जैक्ट टाइम। और पहुँचते सबसे पहले मैंने भरा पानी की बोतल वाटर वेंडिंग मशीन से, 10 रुपये में 2 बोतलें भर ली, सस्ता का सस्ता, अच्छा का अच्छा, और ठंडा एकदम चिल्ड पानी। तो डिपार्चर का टाइम तो वैसे ऑलमोस्ट हो गया, 2 मिनट बाकी है डिपार्चर में। और फिरोजपुर स्टैंड से लेकर के लुधियाना तक जो रुलाया है ना इस ट्रेन ने, एक तो उमस इतनी, फिर धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है जैसे कि पंजाब के खेतों के बीच से नहीं बल्कि राजस्थान के रेगिस्तान के बीच से गुजर रहे हो। पूरे चेहरे पे ऐसे धूल मिट्टी, कालापन बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे कीचड़ जो है पौधियों किसी ने चेहरे पे इस टाइप से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हर स्टेशन पे इसको कभी लूप से गुजार रहे हैं, कभी इसको क्रॉसिंग करवा रहे हैं, रोक रहे हैं, और पूरी जो है क्रॉल करवाया इस ट्रेन को। ये नहीं क्या होता है ना एक भोकाल रन कि मतलब ट्रेन चलती जाती है नॉन स्टॉप अपने MPS पे, वो नहीं था इस ट्रेन के साथ में। 40-50-30 ऐसे स्पीड पे चला रहे थे कि मज़ा नहीं आ रहा है इस जर्नी में। जितना सोचा था ना मैंने कि मज़ा आएगा, लेकिन उतना आ नहीं रहा है मज़ा, बस सफ़र जो है कट रहा है। या तो रूट ऐसा चूज़ किया मैंने इस वजह से ऐसा है, और कुछ ट्रेन को भी ऐसे चला रहे रो रो के। बाकी लुधियाना का स्टेशन पूरा खाली पड़ा है। ये ट्रेन अराइवल ले लो, उसके बाद इसको डिपार्चर देंगे। RMS कोच, कौन सी ट्रेन है ये? ओके, यहाँ दिया जा चुका है ट्रेन को डिपार्चर। सामने कुछ खड़ा है वैसे तो,
गाजियाबाद का कौन सा लोको? 3330। दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस। ओ भाई ये क्या है, आगे चेयर कार, बीच में जनरल, फिर चेयर कार, फिर जनरल। नहीं नहीं नहीं, सारे के सारे जनरल ही है, बस चेयर कार की शक्ल में है। ये है रियल चेयर कार। स्पीड बढ़ा भी ले। ओके फाइन, दे आर ऑन बोर्ड ट्रेन होस्टेस। यहाँ पे इतनी अच्छी स्पीड में ट्रेन स्किप कर दी जलंधर कैंट स्टेशन, किसी ने चेन पुलिंग कर दी और एक झटके के साथ जो है ट्रेन रुक गई यहाँ पे, पूरी खड़ी है पिछले 15 मिनट से। झटका भी बहुत तेज लगा था।
क्रॉसिंग पिट लाइंस ऑफ जालंधर सिटी। डेमू का शेड बन रखा है यहाँ पे, उस पर DMU कार शेड, यस जालंधर। सोमनाथ एक्सप्रेस, क्या बात है। ओ माय गॉड, WDP1। वेरी नाइस एंड क्लीन स्टेशन। कौन से प्लेटफॉर्म पर है? तो देख लो, ऐसा है कुछ जालंधर सिटी स्टेशन का लुक। 12:55 पे ट्रेन यहाँ पे पहुँची है, जो कि थोड़ी सी लेट है, लेकिन जो भी हो अमृतसर ही ऑन टाइम पहुँच जाएगी या बिफोर टाइम पहुँच जाएगी। और सही बता रहा हूँ, जालंधर सिटी स्टेशन इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे देखने में। मतलब मैंने अभी तक फिरोजपुर कैंट देख लिया, बठिंडा देख लिया और लुधियाना देख लिया। तीनों स्टेशन की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जालंधर सिटी स्टेशन सबसे बढ़िया लगा है मुझे। क्लिनलीनेस के मामले में बोलो, चाहे फॉरेस्ट भी देख लो कितना बढ़िया है, प्लेटफॉर्म का अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और बीच बीच में यहाँ पे देखो गमले हैं, पौधे उगा रखे हैं इनमें, ये भी चीज़ अच्छी है। और क्लीन तो है ये स्टेशन, सबसे बेस्ट स्टेशन लगा मुझे अभी तक का अपनी जर्नी में, ये पंजाब का कह रहा हूँ मैं। यहाँ हो चुका जालंधर से डिपार्चर, सामने 3rd AC इकोनॉमी कोच का रेक खड़ा है। नहीं, नॉर्मल 3rd AC कोच ही है, आगे की तरह 3rd AC इकोनॉमी कोच भी थे इसमें। 2024 मेड, एकदम फ्रेश लगता है, जैसे कपूरथला से निकला है अभी अभी। Thank you.
कांगड़ा नाम के एक छोटे से स्टेशन पे ट्रेन को खड़ा कर दिया लूप पे, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होने वाला है आफ्टर ब्यास जंक्शन एंड बिफोर अमृतसर, क्योंकि पीछे से आ रही है लुधियाना शाने पंजाब एक्सप्रेस, तो उसको जो है ओवरटेक करवाएंगे यहाँ पे। एंड अमृतसर की तरफ से भी एक ट्रेन आ रही है जिसकी क्रॉसिंग होगी यहाँ पे, तो दिखाते हैं आपको फिलहाल दोनों ट्रेनें, एक का ओवरटेक और एक की क्रॉसिंग। नीचे उतरना पड़ेगा, ऐसे अच्छा लुक नहीं आया। ओ भाई आ गई, जो अभी क्रॉस हुई यहाँ पे वो थी सियालदा जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, और शाने पंजाब भी आ रही है, ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है उसको, ओवरटेक दिखाते हैं उसका शाने पंजाब का। एक तो उमस का इतना माहौल है ना, उमस इतनी हो रखी है मतलब, और कोच के अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी भट्टी के अंदर बैठे हों, इतनी गर्मी हो रही है कोच के अंदर। बाहर तो फिर भी थोड़ी बहुत हवा चल रही है। दिखाते हैं आपको शाने पंजाब का ओवरटेक। वैसे अभी तक की ओवरऑल जर्नी की अगर मैं बात करूँ ना आपसे, तो फिरोजपुर कैंट और लुधियाना जंक्शन तक तो मान लो सफ़र ऐसे कट रहा था ना, क्योंकि एक तो इतनी उमस वाली गर्मी और ऊपर से ट्रेन का धीरे धीरे क्रॉल करना, और लुधियाना जंक्शन के बाद अभी तक या फिर मैं कहूँ तो अमृतसर तक जो है सफ़र अच्छा कट रहा है, बिकॉज एक तो अभी नज़ारे भी ऐसे हो गए, बादल छा रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और चारों तरफ हरियाली भी दिख रही है, इसलिए मतलब ओवरऑल ना लैंडस्केप भी अच्छा हो गया और ट्रेन की स्पीड भी अच्छी मेंटेन कर रखी है लुधियाना के बाद से लेके अभी तक। हालांकि वो बात अलग है कि लूप पे लगा दिए अभी और बीच में एक चेन पुलिंग भी हो गई थी, इस कारण से जो है थोड़ी डिले जरूर हुई है ट्रेन, लेकिन अमृतसर तो वही अपने 2:45 बजे ही पहुँचाएंगे इसको, क्योंकि बहुत स्लैक दे रखा है इसका ब्यास जंक्शन और अमृतसर के बीच में 45 मिनट्स का, तो मान के चलो कि 45 मिनट्स का तो स्लैक है आराम से, तो ये चीज़ें हैं।
गाइस ट्रेन पहुंच चुकी है ऑन टाइम। ऑफ कोर्स ट्रेन को ऑन टाइम पहुंच नहीं रहा बिकॉज स्लैक टाइम इतना देर गया, इस वजह से। खैर जो भी हो, यहाँ पे जो है हमारी जर्नी ख़त्म होती है अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस की, जयपुर से लेके अमृतसर तक। और रिटर्न भी जो है मेरा इसी ट्रेन में रहने वाला है, तो शाम को 5:45 इसका डिपार्चर है। और देखते हैं रिटर्न में कैसी रहती है यात्रा इस ट्रेन में, क्योंकि इसका जो रूट है वो इस बार बठिंडा होते हुए नहीं बल्कि फिरोजपुर कैंट लुधियाना के बाद दूरी जंक्शन होते हुए सीधा हिसार की तरफ जाता है, तो ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं जाएगी ये ट्रेन। तो देखते हैं कैसा सिलेक्ट टाइम वगैरह इसका मेंटेन करते हैं, कैसा स्पीडर इसका जो है रहता है, और कैसी जो है हमारी यात्रा इसमें रहती है रिटर्न जाने की, उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा मैं, तो वो आएगा चैनल पे, देखना उसको भी ज़रूर। बाकी ये ब्लॉग आपको कैसा लगा बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना इस ब्लॉग को, एंड मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द दूसरे जर्नी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।